सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू युवराज शर्मा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे ही रहें, ये मैं भोले बाबा से प्रे करता हूँ गाइज। तो मैं अभी बड़ौती हूँ और आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, मोंटी को ना बेटी हुई है, तो मोंटी से मिलने के लिए चल रहे हैं, ठीक है? चलिए फिर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अभी मोंटी के घर। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि मोंटी कौन है, और मैंने तीनों के बारे में आपको बताया है, ठीक है? तो अभी मैं उसकी प्यारी सी क्यूट सी बेटी को आपको दिखाता हूँ, ठीक है? सो फ्रेंड्स, ये क्यूट बेबी है, इसके बारे में आपको बताऊँगा बाद में। अभी हम इसको देखिए ध्यान से, ठीक है? देखो कैसे देख रही है ये, आज ही मिली हमसे पहली बार। इसको 8 महीने हो गए हैं आए हुए इस दुनिया में। इसका क्यूट नाम है शानवी। ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, है ना? अच्छी है, देख रही है अभी, पहचानने की कोशिश कर रही है। और ये इसके पापा श्री हैं, ये शर्मा रहा है अभी, पापा भी शर्मा रहे हैं इसका। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, शायद मैंने आपको पहले भी बताया है। अभी देखिए गुस्से में देख रही है हमको, गुस्से में देख रही है। दे दे सर, कैसे? अच्छा फिर से बोल शानवी बेटा, फिर से बोल, बोल सुन। सो गाइस, मैं मोंटी के पास से आ गया था और मैं अब सीधा अपने गांव में आ गया हूँ रोटा। और मुझे अभी 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए, और अभी मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। फिलहाल मैं चाचा जी के पास जाऊँगा, उनको देखता हूँ, वो यहाँ पे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं घूमने जाऊँगा। फिर मोंग से मिलते हैं हम, ठीक है? सो फ्रेंड्स, मैं और यहाँ पे बाजार में आए थे, तो अभी गांव का ना माहौल ऐसा हो गया है जैसे एकदम शहर जैसा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना, अभी जैसे कि आज सैटरडे है, आपको पता है कि सैटरडे को यहाँ पे बाजार लगता है, और बाजार भी अब यहाँ पे एकदम शहर जैसा हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे अभी लगभग 6 बज रहे हैं और 6 बजे तक अभी भी बैठे हुए हैं सब, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि घर से थोड़ी दूरी पर ही हाईवे है यहाँ पे, जो 4 स्टेट को जोड़ता है। मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कल एक के ब्लॉग में आपको बताया था कि गुफा के बारे में, आपके मन में, कुछ लोगों के मन में ये भी आता होगा कि वो इतने बड़े होते थे पहले लोग, इतने हट्टे कट्टे होते थे और इतने हाइट ज़्यादा होती थी, भीम की तो काफ़ी ज़्यादा हाइट थी। तो उसको उस गुफा से वे सब गुजरे कैसे होंगे, या उसको गुफा के अंदर से सब निकले कैसे होंगे? तो मैं बता देता हूँ आपको, वो गुफा पहले बड़ी थी, उसको बंद कर दिया गया है, उसको काफ़ी भर दिया गया है, लेकिन उसमें आज भी वहाँ पे कुछ जगह बनी हुई है जहाँ पे मतलब उजाला के लिए हम वहाँ पे चीज़ों को रख सकते थे। आपने देखना होगा उसको ध्यान से, कल वाले ब्लॉग को, कि वहाँ पर हम चीज़ों को रख सकते हैं, ठीक है? तो मैं अभी हाईवे पर आ गया हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे हाईवे की चकाचौंध, ठीक है? दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गाइस, ये हाईवे है जो कि मैंने आपको बताया था। इस हाईवे के बारे में काफ़ी बार आपको मैंने इस हाईवे के बारे में बताया हुआ है,
सो फ्रेंड्स, अभी रात को ना इतनी तेजी से ही यहाँ पे ट्रक वगैरह चलते हैं, अब देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ना अभी नहर के पास आके बैठ गया हूँ। देखिए मेरे पीछे ना नहर है, आपको दिखेगी नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़े टाइम में। जब यहाँ से चलूँगा ना तब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ना ठंड काफ़ी हो रही है, मैं शायद ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं बैठ पाऊँगा, तो थोड़े टाइम में ना यहाँ से चलते हैं हम, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये नहर है और उसमें पानी काफ़ी टाइम से ऐसे चल रहा है। तो जब मन करता है ना थोड़ा शांति मिलने के लिए, तो मैं ना यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ हमेशा, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखे पानी में ना मेरी परछाई भी आ रही है। तो गाइस, अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से बस निकलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं यहाँ पे घर पे अपने। अब ठंड काफ़ी हो रही है तो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ सोने के लिए। और रौनक अभी खड़ा है, इसको फ्री फायर खेलना है तो इसको फ़ोन लेना है मेरा, है ना। हाँ देखो, फ़ोन लेना है ना, इसलिए तो फ्री फायर खेलने के लिए बेताब है ये भी। और मुझे काफ़ी ठंड भी लग रही है तो मैं अंदर जा रहा हूँ अभी। वैसे क्या बजा रहा तू? क्या बजा रहा था तब? कुछ भी, कुछ तो कर रहा था। झूठ मत बोले। कुछ नहीं। तो ठीक है गाइस, आशा करता हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग युवराज शर्मा व्लॉग्स।